नमस्कार, मैं हूं मनन गोस्वामी। आप देख रहे हैं अपना लाइव डॉट न्यूज। फटाफट खबरों में बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह की ताजा खबर, महत्वपूर्ण पहली खबर यह है कि रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपने छोटे भाई अनिल अंबानी के मदद के लिए 550 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाकर अपना फर्ज अदा किया है। रिलायंस कम्युनिकेशन के चेयरमैन अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन पूरी होने के एक दिन पहले एरिक्सन का बकाया चुकाकर खुद को जेल जाने से बचा लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी को अपने आदेश में कहा था कि अनिल अंबानी को 4 सप्ताह के भीतर पूरी रकम चुकानी होगी, जिसका उन्होंने पालन किया है। दूसरी बड़ी खबर, रियल एस्टेट में सस्ते दरों का फायदा देने को लेकर मंगलवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है, जिसमें निर्माणाधीन घरों पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, सरकारी कंपनी के ईपीएफ में निवेश को हो सकता है मुनाफा। 19 मार्च से ओएनजीसी, एनटीपीसी, आईओसी कंपनियों के शेयर खरीदें तो डिस्काउंट मिल सकता है। इसमें निवेश कर अपना अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सरकार ने खुद इसकी पेशकश की है। 19 मार्च को ओपनिंग का डेट रखा गया है। युवाओं के लिए अगली महत्वपूर्ण खबर, नेहरू युवा केंद्र संगठन में 10वीं पास एवं ग्रेजुएट के लिए 225 वैकेंसी आई है, जिसमें आप आवेदन कर अपने भविष्य को संवार सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 8 मार्च को एक कमेटी का गठन किया है, जिसका नेतृत्व भारत सरकार के पूर्व मुख्य सचिव बीपी शर्मा कर रहे हैं। कमेटी को 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। 26 साल बाद मोदी सरकार ने इसके तहत ओबीसी क्रीमी लेयर की परिभाषा बदलने की तैयारी कर रही है। 1993 में ओबीसी के लिए बने नियमों की अब तक समीक्षा नहीं हुई थी। इसके लिए सरकार ने एक्सपर्ट की एक कमेटी का गठन किया है, जो उन नियमों पर गौर करेगी, जिसके आधार पर क्रीमी लेयर तय की जा सकती है। क्रीमी लेयर ओबीसी का वह वर्ग है जो आर्थिक रूप से विकसित है। यह वर्ग नौकरियां और शिक्षा में आरक्षण के लिए अयोग्य है। अगली खबर यह कि पाकिस्तान में हरी मिर्च और टमाटर के बाद अब दालों सहित अन्य सब्जियों, चीनी की कीमतों ने भी लोगों को दम निकालना शुरू कर दिया है। लोगों को 1 किलो दाल खरीदने के लिए तकरीबन 160 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। वहीं चीनी भी मीठी के बजाय कड़वी हो गई है। बेरोजगार युवाओं के लिए एक और खुशखबरी, महिंद्रा फाइनेंस कंपनी ने यूपी में 200 नई शाखाएं खोलने की तैयारी में है, जिसमें लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार। देश भर में फैले अपने लगभग 33,000 कर्मचारियों और तकरीबन 60,000 वित्त ग्राहकों के साथ महिंद्रा फाइनेंस ग्रामीण क्षेत्र के सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। कंपनी के एमडी और वाइस चेयरमैन रमेश अय्यर मानते हैं कि उनकी कंपनी की कामयाबी का राज ग्राम समाज के साथ भावनात्मक रिश्ता है। अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन फ्रॉड की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए बीमा क्षेत्र की कंपनी आईसीआईसीआई लंबार्ड और मोबाइल वैलेट कंपनी मोबीक्विक ने साइबर बीमा शुरू की है। इस सेवा के तहत साइबर बीमा लेने वाले ग्राहकों को ऑनलाइन फ्रॉड होने की दशा में 50,000 का बीमा कवर दिया जाएगा। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपको 99 रुपया प्रति माह जमा करना होगा। अगली बड़ी खबर, एयरटेल के मालिक सुनील भारती जियो को टक्कर देने के लिए एक प्लान के जरिए एयरटेल के साथ देश की सबसे बड़ी डीटीएच कंपनी डिश टीवी का विलय कर सकते हैं। अगली खबर, शेयर बाजार में निवेश करने वाले लाखों निवेशकों के पास अभी फिजिकल फॉर्म में ही कंपनियों के शेयर पड़े हैं। इस समय देश में करीब 5.5 करोड़ रुपए का शेयर फिजिकल फॉर्म में है। फिजिकल फॉर्म में पड़े शेयरों को डीमैट में कन्वर्ट कराने का अंतिम समय 31 मार्च 2019 तक का आखिरी मौका है। अगर तय समय सीमा के भीतर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर, ऑनलाइन गेम पबजी खेलने के चक्कर में 2 युवकों ने ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि इस खेल को प्रतिबंधित करते हुए बार बार चेतावनी दी जा रही है कि इससे सावधानी पूर्वक खेला जाए एवं नाबालिग बच्चों को इससे दूर रखें, नहीं तो इस तरह की घटना बार बार हो सकती है। अगली महत्वपूर्ण खबर, पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी कैंपों पर एयर स्ट्राइक की थी। एयर स्ट्राइक पुलवामा हमले का बदला था, जिसमें 40 से ज़्यादा CRPF के जवान शहीद हो गए थे। वहीं लोकसभा चुनाव के प्रचार
में इस बार अब राजनीतिक बयान भी दिए जा रहे हैं। यूपी के सरधना से भारतीय जनता पार्टी के विधायक संगीत सोम ने इसी पर बात कही है। संगीत सोम ने कहा है कि अगर भारतीय वायुसेना थोड़ी देर और रुक जाती तो लाहौर में भी तिरंगा फहरा जाता। आगामी लोकसभा चुनाव 2019 के प्रथम चरण 11 अप्रैल को होना है, जिसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से 91 लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस चरण में 25 मार्च तक नामांकन भर सकेंगे प्रत्याशी, 26 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 28 मार्च तक नामांकन पत्र वापस लिया जा सकता है। अगले बड़ी खबर क्रिकेट प्रेमियों के लिए है। विश्व का सबसे बड़ा और लोकप्रिय घरेलू T20 लीग इंडियन प्रीमियर लीग IPL 23 मार्च से शुरू होने वाला है। इसके लिए पहले 17 मैचों की मेजबानी तय हो गई है, शेष 45 मैचों की मेजबानी आज घोषित की जाएगी। सूत्रों के अनुसार देहरादून में इस साल भी IPL के मैच नहीं होंगे। अगली खबर उत्तराखंड के चंपावत राजकीय इंटर कॉलेज के 8वीं कक्षा के बाल वैज्ञानिक नीरज कुमार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गांधीनगर में हुए फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में सम्मानित किया। शुक्रवार को हुए कार्यक्रम में उन्हें इस सम्मान से नवाजा गया। अगली बड़ी खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यौन उत्पीड़न के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए फेसबुक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी का इस्तेमाल कर एक ऐसा टूल तैयार किया है जो खुद अश्लील फोटो और वीडियो को ढूंढेगा और उन्हें डिलीट भी करेगा। यह टूल खास तौर पर बदला लेने की मंशा से पोस्ट की गई आपत्तिजनक अश्लील तस्वीरों को वायरल होने से रोकने में मदद करेगा। अगली चौंकाने वाली खबर दुनिया का पहला उड़ने वाला जेट सूट, इसे पहनकर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भरी जा सकती है। इसमें 5 टर्बोनाइट लगे हैं जिसकी मदद से उड़ान भरता है। इस जेट सूट को ब्रिटिश फर्म ग्रेविटी इंडस्ट्री ने तैयार किया है। अगली महत्वपूर्ण खबर इनकम टैक्स विभाग से जनता से किसी तरह की सूचना प्राप्त करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 1800221510 जारी किया है, जिस पर आप किसी तरह की सूचना विभाग को दे सकते हैं। विभाग ने यह भरोसा दिलाया है कि इस नंबर पर सूचना देने वाले किसी भी व्यक्ति की पहचान को उजागर नहीं किया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण खबर वित्त मंत्रालय ने बैंकों से ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी ATM खरीदते वक्त मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय कंपनियों को प्राथमिकता देने के लिए कहा है। सरकार ने इस कदम को ATM बनाने वाली घरेलू कंपनी को फायदा पहुंचाने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर फ्लैट खरीदने वालों को मिलेंगे अधिकार। अगर बिल्डर आपको बुकिंग किए फ्लैट की वक्त पर डिलीवरी नहीं दे रहा है तो आपके पास रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा की शरण में जाने का विकल्प है। लेकिन अगर बिल्डर पूरी तरह से प्रोजेक्ट पूरा करने में अक्षम है तो घर खरीदार ही बिल्डर को प्रोजेक्ट से बाहर कर नए बिल्डर की नियुक्ति कर सकते हैं। फटाफट खबरें आप अपने मित्रों तक दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पहुँचाएं। अगर आपके पास भी अपना लाइफ के लिए कुछ सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जो बंधु चैनल पर नए हैं आग्रह है अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, बने रहें अपना लाइव डॉट न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।